बाबा की तरफ को या सनातन धर्म की तरफ को आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और आइए यहाँ से बागेश्वर बाबा के समर्थन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? जय श्री राम। जय श्री राम मैम। अंजू पांचाल मेरा नाम है और मेरा धर्म है सनातन धर्म। जी जी, मैं भी सनातन धर्म से हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भैया मैं ये कहना चाहूँगी कि बागेश्वर बाबा के फुल सपोर्ट में है और जो जो हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाएगा या उसके खिलाफ बोलेगा तो हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे खुद, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी पर पूरा भरोसा रखते हैं, कानून पर हमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई बाबा की तरफ को या सनातन धर्म की तरफ को आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे, ये पक्का है, कन्फर्म है अब। और उंगली उठाएगा तो हाथ काट देंगे, क्योंकि अब हम सनातन लोग जाग चुके हैं। क्योंकि पहले जो भाईचारा था और जो प्यार की भाषा थी वो लोग नहीं समझ रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि सनातन बागेश्वर बाबा पर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि बागेश्वर बाबा भाईचारा नहीं बहनचारा चला रहा है, इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम महिला ने इस्लाम धर्म से सनातन धर्म में आ गया है, तो कह रहा है कि हमारे महिलाओं को जबरन सनातन धर्म कबूल करवाया जा रहा है, बागेश्वर बाबा पर इल्जाम है। भैया सनातन धर्म में कोई जबरदस्ती होता ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में तो बहू और बेटियों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और लेकिन मुसलमान कह रहा है कि भाईचारा भी चलाइए। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं भैया। धर्म परिवर्तन उस लड़की ने, सुनो, उस लड़की ने खुद किया है और वो हमारे सनातन धर्म से खुश है, और ये कोई झूठ नहीं है। बल्कि अब तो जो हमारे सनातन धर्म को एक टारगेट क्यों किया जाता है, कभी बागेश्वर बाबा को तो कभी सुरेश चौहान जी को और कभी और नहीं कुछ, अब रामचरितमानस में भी सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि मैं ये कहूंगी अगर हिंदू हो सनातन, हाँ आप बोलिए बहन जी। हाँ जी, मत बोलो, वक्त लिखते हैं ये दलाल चैनल है हमारा, ऐसा मत बोल सकते हो आप। भैया सुनो जो मैं बोल रही हूँ ना वो सच दिखाओ। अगर तुम मैं केवल सच दिखाता हूँ, मैं केवल सच दिखाऊंगा। 100 हिंदू महिलाओं को, इतनी मुस्लिम की संख्या थी नहीं जितनी अभी है हमारे।